सांसद और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर से ठगी करने के आरोपी अताउल अंसारी को झारखंड के जामताड़ा इलाके से प्रोटेक्शन रिमांड पर जल्द ही स्थानीय पुलिस टीम पटियाला लाएगी। एसएसपी मनदीप सिंह सिद्धू ने कहा कि इस मामले में जांच जारी है, जल्द ही सारा खुलासा किया जाएगा। गौरतलब है कि परनीत कौर के साथ नई दिल्ली में संसद सत्र के दौरान 23 लाख की ठगी हुई है। मामला यह है कि आरोपी ने खुद को SBI का बैंक मैनेजर बताते हुए कहा कि आपकी सैलरी डाल दी है, जल्द से अपना खाता आधार ATM नंबर बता दें क्योंकि देरी होने से पहले सैलरी अटक जाएगी। आरोपी ने परनीत कौर को कहा कि वह होल्ड पर है, जल्द ही उनके पास एक OTP नंबर भी आएगा, वह भी उसे बता दें ताकि जल्दी से सैलरी डाली जा सके। परनीत कौर की ओर से सारी डिटेल बताते ही उनके खाते से 23 लाख रुपये निकाल लिए गए। इस संबंधी मैसेज पाते ही परनीत कौर ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। कुछ देर बाद साइबर सेल को पता लगा कि आरोपी रांची के जामताड़ा इलाके का है। पुलिस पहुंची तो पता लगा कि आरोपी किसी अन्य केस में गिरफ्तार हो चुका है। अब आरोपी को रिमांड पर लेने के लिए पंजाब पुलिस की टीम रांची पहुंच चुकी है। जल्द ही रिमांड पर आरोपी को पटियाला लाया जाएगा। ताजा अपडेट्स के लिए नेशनल 18 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।